स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, मैं समझ रहा हूं कि हर बच्चे के अंदर ये सवाल जरूर आया होगा। आईटीआई एग्जाम जब फाइनल कर लेता है तो अगला सवाल उसके पास ही आता है अपने आप, ठीक है। और अगर सवाल अंदर नहीं आया है तो फिर वो स्टूडेंट नहीं है, टाइम पास के लिए उन्होंने आईटीआई कर रखा होगा बिना टारगेट के, तो फिर ये सवाल उनके मन में नहीं आएगा। लेकिन मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में ये विचार आ रहा होगा। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि कई बार हमें आपको सजेशन लेना होता है, तो आपको देखना होता है कि किस टॉपिक पर सजेशन ले रहे हैं, किससे लेना है। जैसे अगर आपको कोर्ट कचहरी में कोई केस लड़ना है तो आप केस के लिए सजेशन लेने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको दांत में कोई प्रॉब्लम है तो उसके इलाज के लिए किसी पुलिस चौकी पर नहीं जाएंगे। या फिर जब भी आप किसी से सजेशन लेते हैं, जैसे बहुत से बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि आईटीआई के लिए बेस्ट ट्रेड कौन सी है, तो वो ऐसे लोगों से सजेशन लेते हैं जिनका आईटीआई से कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक कोई ऐसा होगा जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में होगा और आप उससे पूछोगे कि भाई आईटीआई किस ट्रेड से करूं, तो वो हमेशा आपको गलत राय देगा, ठीक है। तो ये जो सवाल है इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। वीडियोज से आप एक आइडिया लगाइएगा, कभी भी किसी के कहने पर, इवन मेरे कहने पर भी आप डायरेक्ट वो मत करिएगा जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। आप अपना सेल्फ कैलकुलेशन, अपना स्व एनालिसिस, मतलब खुद आपको सोचना है, समझना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। मैं थोड़ी सी आपको हेल्प करूँगा कि आपको हर वो जगह बताऊँगा जहाँ आप आगे अपना कदम रख सकते हैं, और किसको चुने उसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं बताऊंगा। तो ये आपको चुनना है कि आप किस में सही हैं, क्या आपके लिए सही है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपके सामने है और इसको मैंने थोड़ा सा कैटेगराइज किया है जिससे आसानी से समझा सके। और आपने आईटीआई किया है, पूरे 2 वर्ष लगाए हैं, तो 15 मिनट इस वीडियो पर भी लगा दीजिए, जिससे आगे आपको कन्फ्यूजन जो है ना दिमाग में वो नहीं आएगा, आपको आसानी होगी कोई भी रास्ता का एक है उसका चुनाव करने में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आईटीआई के बाद 2 ऑप्शन अगर कैटेगराइज किया जाए मेनली, तो 2 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। एक होता है कि हम अब नौकरी रोजगार यानी कमाई के लिए पैसे कमाने वाले रास्ते पर निकले, और एक होता है कि अभी तो हमने एक कोर्स किया है, थोड़ा और अपडेट करते हैं, एक हायर एजुकेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कई बार हम ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, ठीक है। जैसे बीटेक किया तो एमटेक भी करते हैं, और कई बार बीटेक करके नौकरी भी करते हैं। तो 2 चुनाव करने होंगे कि आपको आगे पढ़ाई करना है या फिर अब यहीं से आप नौकरी वाले रास्ते पर चलने वाले हैं। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है। ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, देखिए, अगर आपका फिनेंशियल बैकग्राउंड सही है, घर परिवार में लगता है कि थोड़ा आपको और सपोर्ट कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, तब आप एजुकेशनल लाइन को सेलेक्ट करें, कोशिश करें, क्योंकि ये जो है थोड़ा बेकार कभी भी नहीं जाती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको, यही उम्र है, जब एक बार आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो दोबारा आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसे रास्ते पर चल जाती है जहाँ से वापस टर्न करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर अभी थोड़ी सी भी गुंजाइश है, लगता है कि आप घर से थोड़ा भी सपोर्ट मिल सकता है, तो भविष्य में पछतावा ना हो उसके लिए थोड़ा सा आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। उससे फायदा क्या होता है हम आगे अभी वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो फिर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलतेगा आपको डिप्लोमा, जिसको पॉलिटेक्निक भी कहा जाता है, और उसके अलावा मिलेगा CITS, जो पर्टिकुलर ITI से ही जुड़ा हुआ एक कोर्स है, ठीक है। अब समस्या ये आने वाली है कि इन दोनों में से भी आपको चुनाव करना होगा, तो क्यों करेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं ऑप्शंस आपको बताते हुए चल रहा हूँ। जब जॉब की तरफ आएंगे तो जॉब की तरफ जो है एंट्री लेने का, नौकरी में एंट्री लेने के लिए सबसे आसान चीज़ होती है वो होती है अप्रेंटिसशिप होता है, कि अप्रेंटिसशिप की तरफ हम चलें, वहाँ से हम जा सकते हैं, आगे एंट्री ले सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप भी जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज, 2 तरह की कंपनीज में होती है, क्यों किससे करना चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन होता है आपका गवर्नमेंट जॉब की, हम प्रिपरेशन करें, उसके लिए तैयारी करें, क्यों करें, उसके लिए क्या स्लॉट रहना चाहिए, कितना टाइम लिमिट होनी चाहिए और किसको करना चाहिए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट वाला जो हम करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर हम
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, स्वरोजगार की, अगर हम कुछ बिजनेस वगैरह करना चाह रहे हैं तो क्यों करें, कब करें, इन चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके पास एक आइडिया है कि अगर एजुकेशन में बढ़ना है आगे की तरफ तो इधर के आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, और अगर हमें पैसे कमाने की तरफ बढ़ना है कि अब शुरुआत भाई हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे तो इसके लिए इधर वाले रास्तों का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम एक एक टॉपिक पर अलग अलग आपको छोटा मतलब बारीक थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। देखिए अप्रेंटिसशिप की बात करें कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है, तो किसी भी फैक्ट्री कंपनी में अगर आप एक ट्रेनिंग के तौर पर एक साल के लिए आपकी वहां पर एंट्री होती है, कितना, एक वर्ष के लिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कंपनी के साथ, कंपनी में आप एक साल काम करेंगे, एक साल बाद आपको कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है, और इस दौरान आपको जो पैसे हैं वो नॉर्मल नौकरी करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कम मिलता है, जनरली 8,000 से 10,000 के अराउंड जो है पर मंथ मिलता है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप नए हैं, आपको काम नहीं आ रहा है, इस वजह से आपको सिखाया बताया जाता है। यह अप्रेंटिसशिप जो है एक ट्रेनिंग है जिससे आप कर सकते हैं। दो है ऑप्शन, एक प्राइवेट कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी हो गई, जैसे बहुत सारी हैं, हजारों कंपनीज हैं, बहुत सी छोटी छोटी भी कंपनीज हैं जिनका हमें आपको नाम भी नहीं पता होता है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे बड़ा अगर मैं सेट करना चाहूँ तो आपके हीरो हो गया, ठीक है, मोबाइल फोन की भी कंपनीज हैं, लावा है, कार्बन है, ये हो गए, हीरो के बाद होंडा भी है, मारुति भी है, टाटा भी है, ये भी अप्रेंटिसेस कराते हैं, ठीक है, तो ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं। अब देखिए प्राइवेट कंपनी में क्या फायदा होता है अप्रेंटिस का, देखिए अगर आप प्राइवेट कंपनी में डायरेक्ट नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है, शुरुआत में उल्टा कर रहा हूँ, पीछे से चल रहा हूँ, लास्ट में गवर्नमेंट की तरफ चलेंगे, अगर आप प्राइवेट कंपनी में डायरेक्ट नौकरी चाहते हैं तो डायरेक्ट नौकरी मिलना मुश्किल है, डायरेक्ट नौकरी मिलना मुश्किल है, तो अप्रेंटिसशिप के बहाने हम किसी कंपनी में इंट्री ले लेते हैं और वहाँ हम काम करने लगते हैं, धीरे धीरे हमारे वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, अगल बगल इंडस्ट्रीज में हम रहने की आदत डाल लेते हैं और 10-20 लोगों का नेटवर्क बन जाता है, फिर हम अप्रेंटिस करते करते किसी न किसी कंपनी में सेट हो जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको नौकरी करना है तो अप्रेंटिसशिप सबसे आसान तरीका है, जिसके थ्रू हम इंट्री कर सकते हैं, नौकरी पाने में हमें आसानी होगी, डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे ये नहीं पता होता, लेकिन अप्रेंटिसशिप से हमें एक रास्ता मिल जाता है। ठीक है, ये कैसे कर सकते हैं, आप अपने नजदीकी सरकारी ITI पर जा सकते हैं, वहां पर अप्रेंटिस एडवाइजर होते हैं जिनका काम होता है, ठीक है, अप्रेंटिस वगैरह जगह जगह लगवाना, और उस गवर्नमेंट ITI पर जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा जहां नज़दीक में प्राइवेट कंपनीज हो, तभी वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगी, प्लस समय समय पर गवर्नमेंट ITIs में हर जिले में गवर्नमेंट पे जानबूझ के ऑर्गेनाइज किया जाता है कैंपस रोजगार मेला, जहां पर अप्रेंटिस के लिए काफ़ी मौके मिलते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया तरीका। अब देखिए गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट कंपनीज में, जैसे गवर्नमेंट कौन से हो गया, रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, ऐसे बहुत से विभाग हैं जो सरकारी हैं, सिंचाई विभाग है, ठीक है, तो इनमें भी अप्रेंटिस रखे जाते हैं। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, प्राइवेट से करने से सिर्फ यही फायदा है कि आपको डायरेक्ट कंपनी वगैरह प्राइवेट कंपनीज में नौकरी लेना आसान हो जाता है, क्योंकि आप वहीं रहने लगते हैं, उसी कंपनी के आसपास आपका नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, ये फायदा इधर, और इसके अलावा विशेष कोई फायदा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट में रेलवे का ही एक ऐसा विभाग है जो कहता है अगर आप हमारे यहाँ से अप्रेंटिसशिप करोगे तो भविष्य में जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसीज आएंगी उसमें आरक्षण देंगे, मतलब जो गवर्नमेंट रेलवे से जो अप्रेंटिस किया होगा उसको ये कुछ एक्स्ट्रा बोनस नंबर, मान लेते हैं 20 नंबर एक्स्ट्रा देंगे, या फिर मेरिट में कुछ और सब मिलाकर ये थोड़ा भाव देंगे कि भाई हमारे यहाँ से अप्रेंटिस किया हुआ लड़का है तो इसको मेरिट में 20 नंबर अतिरिक्त दे दिया जाए, या फिर उनको प्रिफरेंस दिया जाए, जो भी नियम कभी आते जाते बदलते रहते हैं। ठीक है, तो रेलवे इकलौता विभाग है अभी तक मेरे जानकारी में जो अपने यहाँ से अप्रेंटिस किए हुए को अपनी आने वाली वैकेंसीज में कहता है कि हम कुछ उनको बेनिफिट फायदा देंगे। उसके अलावा बिजली विभाग या फिर अन्य सेल वगैरह गेल इस तरह की वैकेंसीज आती रहती हैं, तो इनमें अगर आप अप्रेंटिस करते हो तो इसमें से कोई विशेष फायदा नहीं है। इनका जो अप्रेंटिस है प्राइवेट कंपनी का अप्रेंटिस है लगभग एक ही जैसा है, बल्कि प्राइवेट वाला यहाँ फायदेमंद हो जाता है कि सरकारी में अगर सरकारी में अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप मिल गई तब तो ठीक है, अदरवाइज अन्य विभाग के अप्रेंटिस से कोई विशेष फायदा अलग से नहीं है मेरी नज़र में, बाकी आप अपना एनालिसिस कर लीजिएगा।
अरे अगर आपको प्राइवेट नौकरी करनी है तो प्राइवेट कंपनी में आप अप्रेंटिस करिए, वहीं से आपको आदत भी लग जाएगी और नेटवर्क बन के नौकरी मिल सकती है। तो ये तो आपका अप्रेंटिस का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है उसको अप्रेंटिस करने की, फिलहाल अप्रेंटिस की तरफ जाने का लग रहा है कि डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिस तरफ जाएंगे तो 8-10 घंटे नौकरी वगैरह करेंगे तो शायद उतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, अगर हम हायर एजुकेशन ऊपर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे निचला कोर्स है ITI, उसके बाद होता है डिप्लोमा, और उसके ऊपर चलते हैं तो होता है BTech, ठीक है। उसके अलावा ऊपर चलते हैं तो होता है MTech, ये इंजीनियरिंग वाला लाइन है। ITI करके आप डिप्लोमा करते हैं, एक नॉर्मल लड़का जब हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा करता है तो उसको 3 साल डिप्लोमा का कोर्स करना पड़ता है, लेकिन यही ITI किया हुआ लड़का रहेगा तो उसका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हो जाता है, यानी आपका जो 2-3 वर्ष का कोर्स है सिर्फ 2 वर्ष में ही कर लेंगे अगर आप ITI पास है। तो ITI वाले बच्चों को ये फायदा मिलता है। अब इसको करना क्यों चाहिए, पहला फायदा कि आपको 2 वर्ष में हो जा रहा है, जो दूसरे लोग डिप्लोमा 3 ईयर में करेंगे, ITI पास को 1 साल का बेनिफिट मिल जाता है, उसको 2 वर्ष सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ही बस पढ़ना होता है, उसका डिप्लोमा की डिग्री हो जाती है, मतलब उसके पास 2 डिग्री हो जाती है। ITI लेवल से वो टेक्नीशियन की नौकरी पा सकता है, और अगर डिप्लोमा है तो उसको जूनियर इंजीनियर JEE लेवल की भी नौकरी मिल जाती है, ये फायदा होता है। कई बार ITI के लेवल पर नौकरी पा जाता है लेकिन उसके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उसका प्रमोशन 15 साल में होता है, वहीं पर अगर डिप्लोमा है तो उसका प्रमोशन 5 साल में ही हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं मैं, गारंटी नहीं है, 1-2 वर्ष आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये फायदा मिलता है हायर एजुकेशन का। और दूसरी चीज, आज के समय में जो ITI लेवल की वैकेंसीज आ रही हैं, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं लोगों से जुड़ा हूं हर तरह के, तो मैं आजकल देख रहा हूं अगर 100 वैकेंसीज हैं, ये ITI की थी नौकरी, जब सिलेक्शन हो रहा है तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि 100 में से 80 बच्चे डिप्लोमा या BTech किए हुए हैं, डिप्लोमा और BTech किए हुए लड़के हैं, और उन्होंने क्या कर लिया, फिर उन्होंने कर लिया ITI और नौकरी पा गए सरकारी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब 100 सीट आएगी और आप सिर्फ ITI किए होंगे और सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, वहीं आपसे हायर एजुकेशन वाले फिर ITI कर ले रहे हैं और वो ITI करके इसमें आपको कंपटीशन दे रहे हैं, अब इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और किसी ने BTech कर रखा है, अब क्या होगा, आपके लिए कंपटीशन जहां 100% था वो आपके लिए 200% मुश्किल हो जाएगा। तो डिप्लोमा का एक फायदा ये है कि एक तो आपके पास 2 डिग्री हो जाती है, दूसरा जब कंपटीशन सरकारी नौकरी में आप अपीयर होने जाते हैं तो फायदा ये हो जाता है कि आपकी भी एजुकेशन इनके टक्कर की होती है तो आप बराबर का टक्कर दे पाएंगे, नहीं तो ये हालत हो रही है आपकी आने वाले समय में। अभी तो 100 में से 80 सीटें डिप्लोमा BTech ले जा रहे हैं, आने वाले में 100 में से 100 ले जाएंगे, ITI वाले बच्चों के हाथ नहीं लगेगा। अगर ITI यही हाल रहा तो या तो इसके लिए कोई नियम ना बने कि भाई आप हायर एजुकेशन वाले हैं तो नहीं ले सकते, हालांकि ये बड़ा संभव नहीं है इस प्रकार से रोक पाना, क्योंकि वो भी ऑलरेडी अलग से ITI कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अगर ये करेंगे डिप्लोमा तो आपको ये फायदा होने वाला। दूसरी चीज, जब आप डिप्लोमा कर रहे हैं उस दौरान, जैसे आपने ITI कर लिया 2023 में, ठीक है, अब आपने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया 2023-2025 में आपका कंप्लीट होगा, तो 2023-25 के बीच जितनी भी वैकेंसी आएगी ITI लेवल की आप उनका फॉर्म भी भर सकते हैं और ITI लेवल पर आप इसमें आवेदन भी करेंगे, साथ के साथ इधर आप अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो क्या फायदा होगा, सेम फील्ड में हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ के ITI की नौकरियां भी आपको मौका मिलता रहेगा, 1-2 साल में जो भी वैकेंसी जाएंगी उसमें अप्लाई भी करते रहेंगे। तो ये फायदा है डिप्लोमा की तरफ जाने का, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके पीछे यही है कि अब बच्चे जो है सिर्फ ITI नहीं है, वो डिप्लोमा BTech भी है, जो ITI कर लिए हैं तो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर ये रास्ता आप चुन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट CITS के ऊपर। CITS का सिर्फ एक फंडा है कि गवर्नमेंट ITI कॉलेज में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप CITS का कोर्स करिए, क्योंकि बहुत सी जगहों पर CITS अनिवार्य कर दिया गया है कि बिना CITS के आप गवर्नमेंट ITI में टीचर नहीं बन सकते हैं, और
कई जगहों पर अगर अनिवार्य नहीं है तो इसके बदले CITS के बदले 20 से 30 नंबर बोनस के रूप में दे दिया जाता है। यानी एक नॉर्मल लड़का 150 नंबर लाया और एक CITS वाला भी 150 लाया तो उसको 180 कर दिया जाएगा और मेरिट में CITS वाला आगे चला जाता है। ये फायदा होता है। बशर्ते एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और भी है कि जो वैकेंसीज हैं काफी टाइम पर आती हैं। जैसे अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो 2016 के बाद वैकेंसी आई है, 22 में आई थी लगभग, ठीक है। पहली भर्ती 2014 की फाइनल हुई, 2016 वाली आज तक फाइनल नहीं हुई है, 2023 वाली 2022 वाली जो है 2023 में इसमें शॉर्टलिस्टिंग वगैरह चल रहा है, ये प्रोसेस में। तो इनमें क्या होता है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपने CITS किया और अगले जैसे ही पास होके आप आएंगे आपको भर्ती मिली जाएगी। ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने 2016 में पास किया 2022 में भर्ती मिली, हो सकता 2022 आते आते क्या हुआ बहुत सी चीजें भूल जाएंगी, वो रास्ता अपना कुछ सेलेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि 5-6 साल कोई बैठेगा नहीं। तो ये सर्टिफिकेट उनके लिए है जो चाहते हैं कि यार इसको कर लेते हैं, भविष्य में अगर किस्मत साथ दी तो तुरंत। जैसे कई बच्चे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने 2021 में पास किया CITS और 2022 उनको भर्ती मिल गई, तो इनके लिए तो अच्छा हो गया। तो इसमें गारंटी नहीं है कि किसको फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा मिलता है, CITS अनिवार्य होता है, प्लस इसका एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। प्लस एक और फायदा इसमें हो जाता है कि अगर आप गवर्नमेंट, ठीक है, ITI लेवल की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अब इसमें करना क्या होता है कि इसमें आपका ITI का जो सिलेबस है थ्योरी वाला वही पढ़ना होता है, मेन तो वही होता है आपका, 80% तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर आप CITS करने जाते हो तो ITI में तो क्वेश्चन बैंक और ऐसे वैसे रट के बहुत आसान तरीका है पास करने का, कंपटीशन तो टफ है ना। तो अगर आप सिंपल हैं, ITI हैं और आप CITS करते हैं तो फायदा क्या होता है कि ITI की ही चीजें दोबारा वहां पढ़ना होता है। इसमें क्या पढ़ना होता है, ITI की थ्योरी पढ़ना होता है, प्लस एक सब्जेक्ट है ट्रेनिंग मेथोलॉजी वगैरह बढ़ जाते हैं, नहीं तो मेन थ्योरी वगैरह ही वर्कशॉप कैलकुलेशन ही पढ़ना पड़ता है। CITS में कौन सा वाला, ITI वाला ही, यानी उसी कोर्स को आप दोबारा यहाँ पढ़ते हैं और इसका ड्यूरेशन भी बड़ा कम होता है, एक ही साल का होता है, एक साल निकलने में समय भी नहीं लगता है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, CITS तब कर सकते हो कि CITS करो आप, ठीक है, आपने ITI किया, CITS में एडमिशन ले लो, प्लस किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करने वाले इंस्टीट्यूट हैं उनका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, उनका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो। एक साल के दौरान आप उस कोर्स से तैयारी भी अच्छी कर पाओगे, प्लस CITS कर ही रहे हो, और उसी दौरान अगर ITI लेवल कोई वैकेंसी आएगी तो उसके लिए आप अप्लाई करके बीच में ट्राई भी कर पाओगे, ठीक है। तो एक तरीका ये है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने 2023 में ITI पास किया है तब तक CITS का एडमिशन हो जाता है बंद, और ये होता है 2024 में, तो एक साल आप बैठ के खराब करते हैं। तो एक तरीका है कि 2023 से 24 के बीच जो एक साल आपको बचा है उस दौरान गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिना कोच के आप अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते हो। तो भले ही कितना भी कुछ कह ले कोई, कोचिंग का सहारा आपको लेना पड़ेगा आज के कम्पिटेटिव युग में। तो जो अगर CITS करना चाहते हैं, 2023 में आपने ITI पास कर लिया है, अब आपका एडमिशन CITS में 2024 में होगा, तो जो एक साल आपके पास बच रहा है इस एक साल को आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए लगा सकते हो और 24 में CITS में एंट्री ले सकते हो। एक तरीका ये हो सकता हो, एक साल में आपकी कहीं जॉब लग जाए तो CITS करना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विशेष ना तो कहीं इंडस्ट्री में फायदा होगा, ना ही कहीं कोई डिग्री है ये किसी लेवल की, ये सिर्फ एक कोर्स है जो ITI अनुदेशक की भर्ती में काम आएगा, उसके अलावा ये यूजलेस हो जाता है, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जबकि डिप्लोमा है तो आप JEE की वैकेंसी के लिए या फिर प्राइवेट कंपनी में प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको प्राइवेट कंपनी में जीरो वैल्यू मिलती है, इसका कोई परसेंटेज कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, गवर्नमेंट ITI का जो टीचर वाली वैकेंसी है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप CITS पे और ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। अब इस पर मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे दूं कि हर बच्चा हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद शहर में निकल जाता है, घर से 5,000-10,000 महीने का खर्चा लेता है और घर पे क्या बोलता है, हम तैयारी करने गए हैं, ठीक है, क्या बोलता है, तैयारी करने गए हैं। तो ये जो करने जा रहे हैं ना, इसमें से आपको ये देखना होगा कि अगर यहाँ पर 1,00,000 जा रहे हैं तो इस 1,00,000 में मुश्किल से 10,000 ही होते हैं जो कंपटीशन देते हैं एक दूसरे को। ये 90,000 सिर्फ घर से पैसे लेकर इसलिए निकलते हैं कि चलो कुछ तैयारी हम भी कर लेते हैं, ठीक है, एक कहते हैं ना बीरबल की खिचड़ी पकाने वो चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस दौरान जब आप खिचड़ी पकाने जाओगे तो आपका करियर, आपका समय, घर का पैसा सब कुछ बर्बाद होगा, और 2-3 साल बाद क्या होता है, 2-3 साल बाद आपको फ्रस्ट्रेशन हाथ लगती है।
तो आप जब यहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना करने जा रहे हो ना, तो सेल्फ एनालिसिस करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि आप उस लायक हो। कोई और आपको कह देगा कि तुम गवर्नमेंट जॉब लायक नहीं हो तो तुरंत चिढ़ जाओगे, आपको बुरा लग जाएगा। आप स्वयं से पूछो कि आप इसके लायक हो क्या। आप जो 100 वैकेंसी आती है आईटीआई फिटर की, 100 वैकेंसी आती है बिजली विभाग में, और इसके लिए 50,000 बच्चे आवेदन कर रहे हैं, ज्यादा है, 1.5 लाख बच्चे आवेदन कर रहे हैं फिटर के, तो क्या इस 100 में आप आ सकते हो? 100 छोड़ दो, आप पहले देखो कि क्या 1.5 लाख में से आप 1,000 में आ सकते हो, 1,000 भी छोड़ो, 10,000 बच्चों में आ सकते हो। 1.5 लाख बच्चों के साथ अगर आपका कंपटीशन कराया जाए, 10,000 में आप आ सकते हो बिना पढ़ाई बिना तैयारी के। अगर इस 10,000 में आ सकते हो तब तैयारी करने जाओ, ठीक है। अगर इस 1.5 लाख में आपका नंबर 1,40,000 पे है तब तैयारी करने मत जाना, ठीक है। इसका एक और तरीका है, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, कोई भी पुरानी वैकेंसी हो किसी भी विभाग की जो आपकी ट्रेड और आईटीआई की हो, उस पेपर को आप उठाओ बिना कुछ देखे, बिना किसी पढ़ाई के, बिना नकल मारे इसको सॉल्व करो। और अगर ये 150 नंबर का, चलो 200 नंबर लेके चलते हैं, 200 नंबर का पेपर है, बिना पढ़े अगर 100 नंबर आप अपने मन से ला दे रहे हो, ठीक है, जनरल और नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे हैं 100 नंबर तक ला दे रहे हैं, 80 से 100 लेकर चलते हैं, 80 से 100 नंबर तक आप बिना पढ़े अगर 200 में से ला रहे हैं, तब आप कंपटीशन की तरफ जाइए। और इसके नीचे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, हालांकि कोई इस चीज़ को कहता नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए। तो अपना एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है इंटर करने के बाद आईआईटी की तैयारी करने जाते हैं और आईआईटी के चक्कर में 5 साल गवा देते हैं, फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करते हैं। तो जो 5 साल उनका चला गया उतने में बीटेक भी हो गया होता और शायद लाइफ में कुछ और कर लिए होते। तो ये जरूर एनालिसिस करिएगा, दूसरों का देख कर मत कि यार वो गवर्नमेंट जॉब में लग गया तो मैं भी लग जाऊंगा, और चल दिए अपना समय पैसा सब बर्बाद करने। और एक लाइन, आपको टाइम लिमिट भी सेट करना है। अगर आपने 2023 में शुरू किया है तो टारगेट सेट करिए कि भाई 2025 तक अगर मैं गवर्नमेंट जॉब पा गया, ये 23 भी रख सकते हैं, 24 भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी उम्र के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। उम्र अगर आपकी कम है तो 2 साल ट्राई करिए, टारगेट रखिए कि 2025 तक मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और उसके अलावा बैकअप प्लान भी रखिए। अगर 25 नहीं मिला तो मुझे हारना रुकना नहीं है, मुझे निकलना है प्राइवेट जॉब की तरफ या फिर अपना बिजनेस करना है, ठीक है। रास्ता दूसरा भी बनाकर चलिए, एक रास्ते पर अगर आप रहोगे, सिंपल सी बात है, अगर कहीं जाने के लिए एक रास्ता आप जानते हो उस पर जाम लग गया तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, दूसरा रास्ता भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रास्ता है जाम लग सकता है, रास्ते में पुल भी टूट सकते हैं। तो दूसरा रास्ता नहीं पता होगा तो आपकी वो जर्नी कभी पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी तरफ फिर क्या है, कोचिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन आज के टाइम पे मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, ठीक है। तो जो भी चुनिए, जो आपको पसंद है, जहां से समझ में आ रहा है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, बट अपने हिसाब से चुनाव सही करिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, किसी मोटिवेशन में नहीं आ जाना है कि मैंने कह दिया तो उसी रास्ते पर जाना है। पूरी वीडियो देखने के बाद दोबारा देखना, तीसरी बार देख लेना, सारे ऑप्शंस नोट कर लेना, उसके बाद 1 हफ्ते समय लेना, 10 दिन समय लेना, 20 दिन समय लेना, तब डिसीजन लेना, जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना आपको, ठीक है। बिजनेस की बात करें, अगर इन ऑप्शंस के बाद बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जाना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला देखना आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कि जो बिजनेस आप करने जा रहे हो उसके लिए कितना फंड चाहिए, कितना पैसा चाहिए, और उस पैसे के लिए क्या आप तैयार हैं, क्या वो पैसा आपके पास है, या आपके कोई गार्जियन है जो उतना फाइनेंस कर सकते हैं जिसके चलने से या डूब जाने से परिवार पर किसी प्रकार से प्रभाव न पड़े, इस लेवल का फंड आपके पास हो या कोई सपोर्ट करने वाला हो, तब इस लाइन पर आप सोचो। और इसको भी अगर फंड है, पैसा है आपके पास, तब क्या करना है, अगले दिन शुरू नहीं कर देना है, आपको लेना है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसे लेना है, जो बिजनेस करने जा रहे हैं वही बिजनेस कोई न कोई पहले से कर रहा होगा, जान पहचान का, दूर का, उसके यहाँ जाइए, उसके शागिर्द के रूप में उसके साथ सीखिए, 2-4-6 महीने 1 साल काम करिए, फिर जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तब पैसा अपना डालिए, ठीक है। या फिर आप पैसा नहीं है तो क्या करें, फिर भी चाहते हैं कि मैं अपना ही काम करूंगा लेकिन मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं 1-2-4 लाख 5 लाख लगा कर कोई बिजनेस शुरू करूं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, टेक्नीशियन लेवल की ट्रेनिंग, कई कोर्सेज कई जगहों पर शहरों में सिटीज में ऐसा होता है, एसी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, या इस तरह के टेक्निकल जो है 1-1-2-2 महीने सिखाया जाता है। तो ऐसा कोई अलग से शॉर्ट टर्म 1-2 महीने का कोर्स 2-4 हज़ार खर्च करके सीखिए, करिए, और
टेक्नीशियन लेवल की नौकरी की तैयारी करिए, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल टेक्नीशियन की बहुत ज्यादा डिमांड है। अच्छे अच्छे शहरों में देखेंगे जो एसी मैकेनिक होते हैं एक सर्विस का 1500 रुपए लेते हैं, जिसमें 1500 रुपए कंपनी का और आधा उस मैकेनिक का होता है, और दिन भर में वो कम से कम 5-7 जो है एसी सही करते हैं, लगभग 2500-3000 पर डे वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है प्राइवेट सेक्टर में आप एंट्री ले सकते हैं। सिर्फ एसी नहीं, बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं और काम है, हाउस वायरिंग भी है, आप टेक्नीशियन है, आपका लाइसेंस बन सकता है, आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। शुरू में आप नॉर्मल एक वायरिंग का काम शुरू करिए, इसमें पैसा नहीं लगाना है, 1000-2000 का टूल चाहिए, किसी बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर के साथ लग जाइए, 1-2 साल एक्सपीरियंस लीजिए, फिर खुद आप कॉन्ट्रैक्टर बनिए, बिल्डिंग्स के ठीका लीजिए। ठीक है, तो ये भी एक लाइफ है भाई, हम में आप में सही लोग निकलते हैं, तो ये भी तरीका है एक आईटीआई वाले बच्चों के लिए, ये दो रास्ते भी हैं आपके पास, इधर आप जा सकते हैं। बाकी ये जो है प्राइवेट जॉब, ये मैं इसको हमेशा लास्ट के लिए रखता हूँ, ये अपने लाइफ में अगर हम किसी साइड में ना जा पाए तो आखिरी चुनाव इधर हमें करना है, क्योंकि लाइफ है, जीना है, तो इधर भी हमें जाना है। ठीक है, और प्राइवेट नौकरी पाने का सबसे आसान तरीका होता है कि जब भी देखिए कहीं पर कैंपस वगैरह है अप्रेंटिस, हर महीने आपको अप्रेंटिस मिलेगी प्राइवेट नौकरी के लिए। ठीक है, और अप्रेंटिस के थ्रू आप किसी भी कंपनी में एंट्री ले सकते हैं। जब आप वहां एंट्री ले लेते हो, एक साल के लिए कंपनी के साथ आपका बॉन्ड साइन हो जाता है, भाई एक साल आप वहां रहोगे, एक साल के दौरान जहां आप काम करते हो वहां कई सारे लोगों से आपके नेटवर्क बिल्डअप हो जाते हैं, अगल बगल और भी कंपनीज होती हैं जिनमें वैकेंसीज आती हैं, आपको पता चलता है, जबकि आप घर रहते तो उन वैकेंसीज के बारे में पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो अगर अप्रेंटिस के थ्रू आप प्राइवेट कंपनीज में जो है एंट्री कर सकते हैं, अगर आपको वहां पर भी अपना ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जिंदगी नहीं कटती है, यहाँ पर भी अगर आप 4-5 साल देते हो तो आराम से आपका 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, मेरी जानकारी में ऐसे लोग भी हैं जिनके 55,000, 60,000 भी सैलरी है, हालांकि उनको 7-8 साल लगे हैं फैक्ट्रीज में, वो लगातार रुके हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक रास्ता है, और इसके लिए गवर्नमेंट आईटीआई आपकी जो नज़दीकी है वहाँ आप ध्यान रखिए, कॉन्टैक्ट में रहिए, अक्सर यहाँ पर जो है अप्रेंटिसेस के लिए समय समय पर रोजगार मेला लगाया जाता है। तो ये मैंने पूरा समराइज कर दिया, एक भी ऑप्शन मैंने छोड़ा नहीं है जो आईटीआई स्टूडेंट से जुड़ा है कहीं ना कहीं, है ना। तो वीडियो को रिवाइंड करिएगा, शुरू से देखिएगा, और सभी ऑप्शंस में से आप क्या करने वाले हैं नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा, और वो क्यों करने वाले हैं वो भी लिखिएगा, जिससे मैं अंदाजा लगा पाऊं कि जो मैंने आपको समझाने और बताने की कोशिश किया है वो क्या आपको समझ में आया है। बाकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए एक और चीज मैं बता दूं कि वही लोग आगे बढ़ें जिनका बेसिक क्लियर हो। बेसिक क्लियर हो मतलब अगर आप आईटीआई किए थे तो आईटीआई लेवल की थ्योरी कम से कम आपको आती हो, ऐसा ना हो कि सीधे आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, वो कंपटीशन पढ़ाएंगे, और कंपटीशन क्या पढ़ाएंगे कि आईटीआई लेवल की गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे वो, लेकिन आपका आईटीआई का लेवल ही कंप्लीट नहीं है क्योंकि आप तो घर बैठे आईटीआई कर लिए थे। तो ऐसे लोगों के साथ ये खतरा है कि आप भाई वही लोग इस लाइन में आगे बढ़े जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एटलीस्ट उन्होंने आईटीआई पढ़ा है अच्छे से, तभी आगे आप स्टैंड कर पाओगे। हालांकि कुछ लोगों को लगेगा ये तो निगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ जो सच्चाई है, और सच्चाई बहुत कम ही लोगों को पसंद आती है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मोटिवेट करके कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। अगर कोर्स बेचना होता तब मैं आपको मोटिवेट करता, भाई नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, आज ही ज्वाइन करो, कल टॉपर बन जाओगे, परसों नौकरी घर लेके आ जाओगे, और चौथे दिन रेलवे के ड्राइवर बन जाओगे, और पीछे ढेर सारी कोयला लाद के लेके जाओगे दिल्ली से मुंबई, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, तो कोई डीमोटिवेट ना हो जाए, ना ही कोई गुमराह हो। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं आज के लिए, इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।